वेलकम टू डिजी स्कूल। आज हम क्लास 9 के क्वेरी क्वेश्चन के क्वेश्चन 1 को करेंगे। अब तक हम क्लास 10 के क्वेरी क्वेश्चन को कर रहे थे और एक्चुअली क्वेरी क्वेश्चन हमारे सेम ही रहते हैं, बट डिफरेंस इतना है कि जिस क्लास का क्वेश्चन आता है हम उस क्लास के नाम के क्वेरी क्वेश्चन को बना देते हैं। ये क्लास 9 के क्वेरी क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ 1 kg ऑफ वाटर इज मिक्स विथ 2 kg ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 g पर सेंटीमीटर क्यूब देन द एवरेज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी। इसका मतलब ये है कि 1 kg पानी को जब 2 kg किसी भी लिक्विड के साथ, एक लिक्विड है जिसका यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया गया है, कहा गया है कि एक 2 kg के लिक्विड के साथ जिसकी डेंसिटी 3 g पर सेंटीमीटर क्यूब है मिलाया गया, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि एवरेज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ठीक है। कैसे करना क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। अब देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, मास ऑफ वाटर, ठीक है, वो कितना है 1 kg। अब यहाँ पे देखिए 1 kg को मैं कह सकता हूँ 1000 g, ठीक है। अब यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नाम नहीं दिया है हमें, बस हमें कहा लिक्विड है, ठीक है, कोई भी एक लिक्विड है, क्या है 2 kg। क्या लिखता हूँ मैं 2 × 1000 g, क्योंकि 1 kg में 1000 g होते हैं, तो 2 kg में 2000 g हो जाएंगे। अब हमें पता चल गया कि मास ऑफ वाटर क्या है, मास ऑफ लिक्विड क्या है। अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे मास ऑफ टोटल मिक्सचर। मिक्सचर क्या होगा यहाँ पे, मिक्सचर होगा लिक्विड और वो वाटर का मिक्सचर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 kg, ठीक है, 3 kg हो जाएगा। अब 3 kg को मैं लिखता हूँ 3000 g। अब चलिए हमारे पास किलो के मार्क्स आ गए, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ वाटर हमारे पास है, ठीक है, मगर हमें क्या निकालना है, अभी हम निकालेंगे ये क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें मास अपॉन में डेंसिटी रखनी होगी, ठीक है, मास अपॉन में डेंसिटी। मास पता है हमें 1000 g है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 g/cm³। ग्राम से ग्राम का क्या क्या बचा आपका 1000 cm³। तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारे पास 1000 cm³। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर कह रहा हूँ मैं, लिक्विड की बात करेंगे एक्चुअली हम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला होगा मास अपॉन में डेंसिटी। अब यहाँ पे मास डेंसिटी बात कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं लिक्विड का, जो मास है हमारा 2000 g, तो ये हम मास इन रेफरेंस को लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2000 upon 3, ठीक है, जो हमें दे रखा है यहाँ पे, इसका होता है 3 g/cm³। तो अगर आप निकाल देंगे तो अब क्या आएगा 2000 upon 3 g, ठीक है। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, क्या वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, अब मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमारा था वो था 1000 g + 2000 upon 3 g, ठीक है, अपॉन में 3 कर दो, 1000 g + 2000 g क्या हो जाएगा 5000 g/3। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अब हमें वॉल्यूम मिल गया, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पे एक्चुअली मैंने ग्राम लिख दिया, ग्राम नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और एक्चुअली मैंने पीछे भी लिख दिया था
ग्राम, यहाँ पे वो ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है। अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, अब देखिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा हमारा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा हमारा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन में डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होगा हमारा, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो मिक्सचर जो है हमारा वो की पूरी डेंसिटी नहीं जाएगी, ठीक है, उसकी पूरी डेंसिटी लेंगे हम। अब जो मास है हमारा, मास क्या था, मिक्सचर का मास, मिक्सचर का टोटल मास क्या था, 3000 ग्राम, ठीक है। अब चलते आगे, यहाँ पे मास क्या हो गया, 3000 ग्राम था, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका आएगा 5000 अपॉन में 3। अब इस 3 को तो हमने वॉल्यूम को लिख दिया है, अब हम इस 3 को ऊपर ले आएंगे, ठीक है, चलिए अब आगे पे चलते हैं। अब 3000 इंटू 3 अपॉन 5000, तीनों तीनों का दीजिए, तीनों तीनों का जाएंगे, बचेगा 9 अपॉन में 5, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1.1 ग्राम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 9 5 1, सॉरी एक्चुअली अप्रोक्सीमेट नहीं, करेक्ट वैल्यू है, तो करेक्ट वैल्यू हमारी आएगी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारी डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ कोकन मिक्सचर, ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। तो इसमें में इतना ही था, हमने ये हमारे क्लास 9 की कम्युनिकेशन की पहली वीडियो थी, तो देखने का आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए अपनी एनकरेज करिए हमें बाय सब्सक्राइबिंग। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन में, हम जरूर आपको उसका जवाब देंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।